अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर मरीजों का बहुत ज़्यादा रश है। इस वक्त अस्पताल एक ही डॉक्टर के रहम व करम पर है। अस्पताल की खास बात यह है कि ये बोंजी से लेकर मेनमारिक तक के मरीज इस यहाँ पर अपना चेकअप करवाने आते हैं। अस्पताल में बिजली भी नहीं है, इस वक्त बिजली लोड कम है, एक्सरे के लिए काफ़ी नहीं है, और इसके अलावा हीटर वेटर नहीं है मरीजों के लिए। तो इस वक्त तकरीबन एक घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं एक्सरे के लिए, अभी लाइट बिल्कुल कमज़ोर है। डिसीजन के मुताबिक बच्चे आजकल ARIN कहते हैं, जो बच्चों के खांसी ज़ुकाम और निमोनिया की शिकायत लेकर आते हैं, और दूर दराज नालों से यहीं क्योंकि सेंटर का हॉस्पिटल है तो यहीं सब फिल्टर होते हैं, सारे यहाँ आते हैं। तो यहाँ जितने पॉसिबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं इस्तेमाल करते हुए उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अपनी तरफ से हमारी कोशिश है, लेकिन सीज़न एक्सट्रीम पे है, आजकल बर्फबारी भी हुई है हमारे फॉरवर्ड एरिया में, उस वजह से ज़्यादा ही बर्डन है आजकल हॉस्पिटल में बच्चों का, बिलखसूस लेडीज़ भी हर किस्म के पेशेंट आते हैं वैसे तो, लेकिन बच्चों का सांस की तकलीफ और खांसी और नज़ल जुकाम और निमोनिया की शिकायत ज़्यादा लेकर आते हैं। इस अस्पताल का MS गुज़िश्ते 2 माह का इलेक्शन की वजह से यहाँ से उनका तबादला किया गया था, अब तक मुतबादल MS यहाँ नहीं आया है, जिसकी वजह यह है कि अस्पताल में कोई सहूलत MS और दीगर डॉक्टरों के लिए नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल का सारा निज़ाम दरहम बरहम है। जबकि इस वक्त यहाँ मरीजों का कहना है कि अस्पताल में ना बिजली की वोल्टेज ठीक है, ना अस्पताल में पानी का निज़ाम है, ना अस्पताल में डॉक्टर वक्त पर आते हैं। एक ही डॉक्टर है जो तकरीबन 200 से ज़ायद मरीज़ों का रोज़ाना की बुनियाद पर चेकअप करता है। यहाँ की लोकल कम्युनिटी का भी यही कहना है कि MS को फौरी तौर पर यहाँ तैनात किया जाए, ताकि ये अस्पताल को जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है वो दुरुस्त हो सके।